अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर के सीवरी में हैं। पीछे में तस्वीर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया नजारा, क्योंकि अब लगन शादी विवाह का मौसम आने वाला है और चालू भी हो गया है। तस्वीर भी देख सकते हैं दुल्हन को लाने के लिए और बारात को ले जाने के लिए, दुल्हा को जाने के लिए और दुल्हन को ले आने के लिए। एक खूबसूरत सा तस्वीर जिसमें कार को मॉडिफाई करके और एक हेलीकॉप्टर बनाया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वह तमाम तस्वीरें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो एक हेलीकॉप्टर में होती है। डायना भी है पीछे में, ऊपर में जो डायना चल रहा है कितना खूबसूरत नज़ारा है। पीछे का भी डायना दिखा सकते हैं, जिस तरीके से आप हेलीकॉप्टर का डायना देखते हैं सेम एक कार ही है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई करके आप इधर से थोड़ा दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत बनाया गया है। इनके मालिक से भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से बनी हुई है। आप नंबर प्लेट भी देख सकते हैं कि चूंकि यह कार है और धरती पे चलेगी, आसमान में उड़ेगी नहीं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन दिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रश्न आ रहा है जो यहाँ पे अगल बगल खड़े हैं। थोड़ा सा इधर भी दिखा देंगे, कुछ लोग खड़े भी हैं जो अभी चल रही है, अभी थोड़ा सा पहले उधर चल के आई है तो देखने के लिए काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी। आप ये तमें थोड़ा सा और नज़दीक में आएंगे, रात में जब ये देखेंगे तस्वीर तो और काफ़ी मनोरंजक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बारीकी ढंग से लाइट लगाया गया है। इसके डायने में भी लाइट लगाया गया है, इसके जो पंखा है उसके नीचे है, इसके एक एक हर एक चीज़ पे लाइट लगाया गया है, उसका विजुअल मैं आपको दिखा दूंगा। और आइए इसमें किस तरीके से भैया है, आइए भैया इनसे हम बात करेंगे। और क्या नाम होगा आपका? मनीष कुमार पासवान जी है और इन्हीं की ये गाड़ी है, अभी की है ना जी। कितने दिन पहले अभी आई हुई है मार्केट में? पाँच दिन पहले आई है। बुकिंग एडवांस हो रहा है कि नहीं? ज़बरदस्त, बहुत हो रहा है, एकदम डिमांड है ना, एकदम डिमांड। लोग यहाँ पे चूंकि देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं और इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, चूंकि अभी हमको नहीं लग रहा है कि बक्सर जिले में अभी कोई ऐसी कार आई हुई है जो हेलीकॉप्टर की तरह दिखती है। कई जगह है लेकिन अभी तक बक्सर जिले में नहीं आई हुई थी, तो ये पहली है जो बक्सर जिले में आई। क्या खूबी है और क्या क्या फैसिलिटीज इसमें दी गई है? खूबी यही है कि इसमें जंगा भी लगा हुआ है। हाँ, और पीछे भी आइए देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा पीछे भी देखते हैं। पीछे भी देखिए, जंगा लगा हुआ है। हाँ, चल भी रहा है, लाइट भी लगा है, शीशा भी लगा हुआ है, नहीं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये तस्वीर है और इसमें आप नंबर प्लेट भी लिखवा दिए हैं, सारा कुछ है, मोबाइल नंबर भी है इनका। देख थोड़ा कैमरे में दिखा दिए, एसी वैसी सब कुछ चलता है इसमें, एसी भी है, मतलब वो सारी सुविधाएं जो हेलीकॉप्टर में है, बस ये उड़ नहीं सकती है। बस ना, दुल्हा जाएगा बैठकर, परछावन कराया जाएगा, सारी व्यवस्था है। नहीं, लड़की भी आएगी इसी में, मतलब दुल्हा हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा और हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आएगा, ये तस्वीर होगी। कितना मजा आएगा दुल्हा को जो लेकर जाएंगे, कहा भी जा सकता है एक तरीके से कि जिनके पास आम लोग जैसे हम लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो हेलीकॉप्टर पे सैर करना संभव नहीं है, लेकिन आपने एक हेलीकॉप्टर दे दिया समाज को जो इसमें बैठ करके दुल्हा दुल्हन को लेकर के अपने गांव अपने गांव आ सकता है कि नहीं है जी। पहले जो लोग होते थे रईस लोग, वो हेलीकॉप्टर में आते थे, लेकिन अब जो होगा कोई भी आम व्यक्ति जो कुछ पैसा खर्चा कर करके अभी तो इसका जो बुकिंग चल रहा है 5-6 महीना के लिए, हाँ वो फ्री मान लीजिए, फ्री मान लें जी, कैसे फ्री मान लिया जाए? उसमें तेल का और ड्राइवर का खर्च लगेगा, उसके बाद फ्री में जाएगी, मतलब शुरुआत में अभी चल नहीं होगा, प्रचार के बाद। हाँ हाँ, प्रचार के वास्ते अभी फ्री है ही, समझिए तेल का भाड़ा दे दिया और ड्राइवर का भाड़ा दे दिया, बस इतना पे काम हो जाएगा। नहीं तो चलिए और भी इधर से थोड़ा सा तस्वीर दिखाते हैं आपको, और खूबसूरत नज़ारा है, रात में और देखने में मजा आएगा। आइए थोड़ा सा इधर से दिखाइए, सामने से दिखाइए कैसा लग रहा है। जाना भी चल रहा है मस्त तरीके से, चूंकि रात का जब समय होगा ना तो एकदम खूबसूरत नजारा हो जाएगा। आइए कुछ लोगों से हम लोग मिलते हैं और इनसे भी बात करते हैं कि कैसा लग रहा है ये तस्वीर, कैसा लग रहा है देखने में, कैसा लग रहा है, क्या भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी हम लोगों के जिला में, चूंकि ऐसा नहीं था कभी देखने में, नहीं था, नहीं था ना, दुल्हा महंगी महंगी कारों में भले जा सकते थे, लाखों लाख की कार में जाते होंगे, लेकिन ऐसा कार अभी जो हेलीकॉप्टर के वास्ते आए हुए है ऐसा नहीं था, नहीं था, यहाँ नहीं। अब क्या लग रहा है, इसका डिमांड होगा कि नहीं जिले में? बहुत डिमांड है इसका। कैसा लग रहा है बाबा? अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लुक है। कह रहे हैं कि बिना अब पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल डीजल और ड्राइवर का भाड़ा दो चीज लगेगा, अभी जो फिलहाल जो चल रहा है प्रचार के वास्ते गाड़ी जाएगी। बुकिंग होगा कि नहीं होगा? जबरदस्त होगा ना। चलिए ये तमाम तस्वीरें और भी लोग, कैसा लगा था गाड़ी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए पूरा मार्केट में जाएगा तो हल्का मचा देगा। नहीं अभी आसपास अभी तो बहुत कम ही दिन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहीं नहीं है यहाँ पर, ऐसा कहीं नहीं है गाड़ी। अब बहुत अच्छा भी लग रहा है, रात में जब चलेगा तो रात की तस्वीर भी काफी खूबसूरत होगी। और क्या क्या फैसिलिटी बता रहे हैं? फैसिलिटी गाड़ी वाला जितना फैसिलिटी सब कुछ है। अंदर में बैठिए एकदम, दुल्हा दुल्हन के लिए अपना अंदर में बैठेंगे, आगे में एक आदमी उनके बैठ सकते हैं, एक उनके साथी जो आएंगे वो सब बैठ सकते हैं। ये तस्वीर है विशेष। आप लोग इस कार के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा अंदर भी दिखा दीजिए, इंटीरियर क्या है। और हवा भी दे रहा है जी, बहुत नहीं, एसी चलाने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा जब कहीं भीड़ भाड़ में जाए। अच्छा भीड़ में जाएगी तो चलते रहेंगे? चलते रहेंगे, खड़ा रहेगी तबेर चलेगी ना, तो गाड़ी वाड़ी में लड़ने का डर रहेगा, लड़ने का डर रहेगा। चलिए विशेष आप लोग क्या सोच रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।